उन्होंने सपना तो देखा था मुख्यमंत्री बनने का, आज भी है 100 विधायक। अरे बिहार से उदाहरण ले ना, वो जो बिहार में हुआ वो यूपी में क्यों नहीं करते हैं? अगर उनमें हिम्मत है और उनके साथ अगर विधायक हैं, एक बार तो बता रहे थे वो कि उनके पास 100 से ज्यादा विधायक हैं, तो आज भी विधायक ले आए, समाजवादी पार्टी समर्थन कर देगी उनका। दिल्ली में हो रही बैठकें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि यूपी भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं है, और इस बीच अखिलेश यादव बड़े मौके की ताक में है। भाजपा नेताओं को खुला ऑफर उन्होंने दे दिया है, जिसे आप अखिलेश यादव का मानसून ऑफर कह सकते हैं। ऑफर क्या है ये भी जान लीजिए। अखिलेश यादव ने मानसून ऑफर का जिक्र करते हुए एक्स पर पोस्ट किया है कि मानसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ। अब अखिलेश यादव के इस बयान के बारे में अलग अलग अटकलें निकाली जा रही हैं। कई तो ये भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव सीएम योगी की सरकार गिराना चाहते हैं। अब ये बात आप भी समझ गए होंगे कि अखिलेश यादव किसे कह रहे हैं 100 विधायक लाने के लिए। अगर नहीं समझे तो ये वीडियो देखिए। उन्होंने सपना तो देखा था मुख्यमंत्री बनने का, आज भी ले 100 विधायक। अरे बिहार से उदाहरण ले ना, वो जो बिहार में हुआ वो यूपी में क्यों नहीं करते हैं? अगर उनमें हिम्मत है और उनके साथ अगर विधायक हैं, एक बार तो बता रहे थे वो कि उनके पास 100 से ज्यादा विधायक हैं, तो आज भी विधायक ले आए, समाजवादी पार्टी समर्थन कर देगी उनका। एक साल पहले अखिलेश यादव ने ये ऑफर दिया था, जिसे अब उन्होंने फिर से दोहराया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को यूपी के अंदर झटका लगा है, तभी से पार्टी के अंदर अंदरूनी खींचतान सामने आ रही है। रविवार को भाजपा कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है, जिसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी भाजपा के अंदर अब दो फाड़ एकदम क्लियर है। यूपी बीजेपी में कई लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाए, कई लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सीएम योगी ही रहे। इन चर्चाओं के बीच केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंचे, तमाम नेताओं से मुलाकात की और उन्होंने जो हवा चल रही है उसे और हवा दे दी। दिल्ली में कई बैठकें भी हो रही है, जैसे इस बात पे कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी बीजेपी के लिए इस वक्त मुश्किल की घड़ी है, आलाकमान इस घमासान को सुलझाए, उससे पहले अखिलेश यादव ने भी खुला ऑफर दे दिया है। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या यूपी बीजेपी के अंदर जो लड़ाई चल रही है, दो नेताओं के बीच जो लड़ाई है, उसमें क्या तीसरा आदमी यानी कि अखिलेश यादव फायदा उठा ले जाए? आप क्या सोचते हैं? क्या अखिलेश यादव के इस ऑफर पर भाजपा के नेता विचार करेंगे? आप अपनी राय बताइए और देखते रहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।